से ऊपर में मजदूरी करके महीने को 5,000 कमा रहा। कितना खा रहा उन्हें? नाश्ते में 2 रोटियां खाता, दोपहर में इतना चावल खाता जितना हमारे हाथ में आता पूरा, रात में इतना चावल खाता, एक रोटी जरा चावल खाता। कब? 5,000 कमाने के दिनों में, कुल मजदूरी करने के दिनों में। अब नौकरी लग गई इसे, अब महीने को 50,000 कमाता इन्हें, तो क्या करेगा? मैं पहले 5,000 कमाता था, नाश्ते में 2 रोटियां खाता था, अब मैं 50,000 कमा लू, मैं 10 रोटियां खा दू, तो क्या निकलता? जाके उसे 10 रोटियां नहीं खा सकता, हरगिज़ हरगिज़ नहीं खा सकता। तू तो 5,000 की जगह 5,00,000 रुपए महीने को कमाया तो भी तेरा लिमिट, अगर नाश्ते में 2 रोटियां है तो 2 रोटियां तू खातस। ए मैं 5,00,000 रुपए कमा रू, मैं 500 रोटियां खा तू, मैं कहां से खाता? नहीं होता, तेरी मुकद्दर की रोजी रोटी अल्लाह तय कर दिया, उतना ही खाकर मरेगा। फिर लोगों की हड़प कहीं को करना हमें, लोगों की दौलत हमें नहीं खराब करना, लोगों का माल हमें नहीं छीना। वो तो है बोन अलमाल हुबन जम्मा, लोग माल जमा करने के पीछे पड़े हैं। सूरह शूरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहता है 20 नंबर आयत में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मन हरसल आखिरा नसीब लहू फी हरसी व मन हरसल दुनिया नुतीहि मिनहा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। जो हमसे आखिरत मांगेगा, आखिरत की जन्नत मांगेगा, हम उसके जन्नत की नेमतों में मजीद बढ़ा देंगे, उसके मांगने में उसकी हिर्स में और मजीद हम बढ़ा देंगे। दुनिया में भी देंगे, आखिरत में भी देंगे। कौन? जो जन्नत मांगेगा, आखिरत मांगेगा। वो मन हर सब दुनिया, लेकिन जो हमसे दुनिया मांगेगा, दुनिया का महल मांगेगा, दुनिया की जाह व मकाम मांगेगा। अल्लाह कहता है वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, कयामत के दिन फूटी कोड़ी के बराबर उसका कोई हिस्सा बाकी नहीं रखेंगे। माल होना तुझे, दुनिया होना ले जा, कितनी होना दुनिया ले जा, ले दुनिया में माल ले, बिल्डिंग ले, बंगला ले, घर ले, क्या होना ले, लेकिन याद रख आखिरत में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हम मोमिन हैं जी, हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम इबादुर रहमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, मोमिन बंदे हैं। हमारी ये दुनिया असल जगह नहीं जी, आखिरत असल जगह, आखिरत हमारा असल ठिकाना, आखिरत में हमारा असली घर। अब आखिरत की जन्नत हमारे लिए असली जगह है, तो ये दुनिया के वास्ते कहीं को जीना हमें? हमारी दुआएं देखो, 5 नमाजों में मुश्किल से 2 या 3 नमाज पढ़ती हमें, फजर को कौन आता भी नहीं, ईशा में आना याद आता भी नहीं, या तो जोहर में, तो असर में, मगरिब नहीं, जोहर में बिरयानी खा सो गया, खराटी की नींद मार ले को, असर को आता नहीं, उड़ती नहीं इसकी नींद, डायरेक्ट मगरिब को उड़ता। 1 या 2 या 3 नमाज पढ़ती बड़ी मुश्किल से दिन में हमें, मुनाफिक एक नंबर के, मोमिन 5 वक्त की पढ़ता, मुनाफिक 2 या 3 वक्त की पढ़ता। याद रखो, अपने आप को मोमिन कहलाना चाहते हो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, वरना ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी का फरमान कहता है, मुनाफिक फजर और ईशा हरगिज नहीं पढ़ पाएगा, मेरी उम्मत के मुनाफिकों पर फजर और ईशा भारी पड़ेगी, ये नहीं पढ़ पाएगी, और जो नहीं पढ़ेंगे 1 नंबर के मुनाफिक होंगे ये लोग, हमारे नबी ने फरमाया ये बात। अब 1 या 2 या 3 नमाज पढ़ने वाले हमें, हमारे नमाजों के बाद जो दुआएं रहती, वो दुआया अक्सर और बेशतर, मैं हर एक के लिए ऐसे दुआ करते नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग आखिरत भी मांगती, अक्सर बहुत सारे लोग माल मांगती, दुनिया मांगती, खाली हमारी दुआएं कैसी रहती? अल्लाह मेरे बिजनेस में बरकत दे, अल्लाह अल्लाह मेरा पैसा खर्जे के ऊपर बढ़ गया, मेरा खर्जा अदा कर, अल्लाह अल्लाह मेरी बेटी जवान हो गई, शादी का इंतजाम करना, उसे इतने तोले सुन्ना लेना, उसे कपड़े लेना, उसे जहेज का सामान लेना, अल्लाह मेरे मेरी बच्ची के लिए रिश्ता भेज, जहेज का सामान भेज, जेवर इंतजाम करा, अल्लाह अल्लाह मेरा बेटा डिग्री पढ़ने को इंतजार करने बैठा, क्या तो उसे बाहर गांव का वीजा लगा, नहीं कहते तो नौकरी लगा, नहीं कहते तो उसे क्या तो रोजी रोटी का इंतजाम करा, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे वो दे, मेरे पास साइकिल है, मुझे 2 व्हीलर बाइक दिला दे, बाइक है, 4 व्हीलर कार दिला दे, ग्राउंड फ्लोर है, अल्लाह फर्स्ट फ्लोर करा दे। हमारी दुनिया, हमारी दुआएं हमें दुनिया भर को रखी, अव्वल से आखिर तक दुनिया 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 दुनिया, माल 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 माल, माल के वास्ते कपड़े खोल खोल, उनके पैसे लेके
मीरा का पीर पैसा पीर, उसके लिए पीर सब कुछ रहता, पैसा सब कुछ रहता, हलाल नहीं होना हराम होना, बल्कि पैसा होना उससे क्या करता रे पैसा लेको। हमारी दुआएं कैसे है? अल्लाह माल दे, अल्लाह पैसे दे, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह शोहरत दे, अल्लाह मुझे और बड़ा बना। खाली ये क्या हमारी दुआएं? हमारे नबी की दुआ कैसी थी सुनो, हमारे नबी क्या मांगते थे वो सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे, अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्कीना व अमतनी मिस्कीना व अहशुरहुम फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा। ऐ अल्लाह, मुझे मिस्कीनों में पैदा किया है, मिस्कीनों में जिंदा रखना, मिस्कीनों में मौत देना। ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन तू लोगों से जगाए तो मुझे मिस्कीनों में जगाना। किसकी दुआ है? कायनात के पैगंबर की दुआ, सरवरे कौनैन की दुआ, रहमतुल लिल आलमीन की दुआ, सारे इमामों के इमाम, सारे अंबिया के इमाम की दुआ, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप ऐसा कहीं दुआ कर रही जी, ऐसा नहीं दुआ कर रही, अल्लाह मुझे गरीब बना के पैदा किया, गरीबों में रख, गरीबों में मौत दे, कयामत में भी गरीबों में उठा, ऐसा कहीं दुआ कर रही? हमारे नबी मालूम क्या जवाब दिए? ऐ मेरे उम्मतियों, मेरी उम्मत के गरीब लोग एक दिन पहले जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत के मालदार लोग 40 साल बाद जन्नत में जाएंगे, एक दिन बाद जन्नत में जाएंगे, एक दिन पहले गरीब मेरी उम्मत के गरीब जाएंगे, एक दिन बाद मेरी उम्मत के मालदार जाएंगे। अरे अल्लाह के नबी, वो एक दिन बाद जो जाएंगे वो एक दिन की मुद्दत के भी रहेंगे। अल्लाह के नबी बोले, कम से कम 40 साल इन हमारे दुनिया के जो 24 घंटे का एक दिन, 7 दिनों का एक हफ्ता, 30 दिन के एक महीना, 12 महीने का एक साल, जो दुनिया का हिसाब है, 40 साल लगेंगे उसे। क्या करेगा उन्हें 40 साल कयामत के मैदान में खड़ों को? क्या करेगा? बदन को कपड़ा नहीं, खाने खाना नहीं, अगले मुद्दे बाथरूम नहीं, बैठने पर से टेबल नहीं, सोने पर से बेड नहीं, खड़ो खड़ा 40 साल। और क्या करना? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये 40 साल तक एक एक रुपए का हिसाब अपनी दौलत का अल्लाह के सामने देते देते उसे 40 साल लग जाएंगे। होना क्या होना है? खयामत के दिन एक एक पाई का हिसाब देने को रुसवाई होना क्या जी? हर मालदार 40 साल नहीं खड़ेंगे उम्मत मोहम्मदिया के। याद रखो, मालदार तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, मुसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, सुहैब रूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, और बहुत से सहाबा थे। हर मालदार नहीं खड़ेंगे 40 साल, वो मालदार जो अपनी ज़कात का बहक़ अदा करते हैं, गरीबों में देते हैं, यतीमों को देते हैं, बेवाओं को देते हैं, लोगों को सदका खैरात ज़कात फितरे, हर माल अल्लाह के राह में लोगों को खैर खैरात करके दिलों की दुआएं लेते हैं, वो नहीं खड़ेंगे। वो मालदार खड़ेंगे जो लोगों का मुंह मारने वाले, ज़कात नहीं देने वाले, गरीबों को नहीं देने वाले, मस्जिदों मदरसों को नहीं देने वाले, ऐसे कंजूसा खड़ेंगे मैदान में। और अल्लाह स्वागत करता है इनका, गले में हार बात को स्वागत करता है कंजूसा का। क्या हार? कैसा रहेगा? सांप का हार। अल्लाह के नबी बुखारी मुस्लिम की हदीस में कहते हैं, जो माल उसने कंजूसी करके जमाया, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, हार बना देगा, गले में डाल देगा, और वो हार उसका माल, उसका सांप बड़ा बहा बोल बोल कर नसीगा, अना माल अना कंजू, ले मैं तेरा माल, मैं तेरा खजाना, चक मजा, चक मेरा चक। थूक के पालिशे मार मार को बिल्ले में जमाया करता था, देख देख हंके के सुकून से सोया करता था ना, चक मजा, मैं तेरा वही दौलत हूं, वही तेरा माल हूं, बोल बोल कर नसीगा। और अल्लाह को बोलेगा, अल्लाह ताला सवाल करेगा, बंदे के अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं रहेगा मैदान महशर में। तर्जुमान बोले तो ट्रांसलेटर, अल्लाह अरबी में बोल रहा, हिंदी नहीं बोलेगा, कोतवाड़म से, अरे अल्लाह मुझे तेलुगु, माँ की तेलुगु वस्तुंदी, माँ की अरबी ले दो, और मुझे माँ को अच्छा ले दो, मुझे नहीं आता, तो क्या बोल रहा, समझ नहीं आता ना, ये उर्दू सुर्दू हिंदी चिन्नी ये तेलुगु पुलगु सब दुनिया में निकल जाती, जैसे ही ये मरता इसके माइंड से दुनिया के पूरे लैंग्वेज का निमित करवा था। अल्लाह हमें दुनिया में पैदा होने से पहले अरबी सिखाया, हमने अरबी आती थी अहद अलस में, अल्लाह हमारी रूहों को जमा करके सवाल किया था अरबी में, अलस तो मेरे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, हमारी रूहों ने जमा किया था, बताया अल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह
तू हमारा रब है। अरबी आती थी, अरबी हमारी असली लैंग्वेज। तुम्हें बोलेंगे अल्लाह में कौन से मदर से क्या नहीं अरबी सीखा नहीं, मुझे सऊदी क्या नहीं, मुझे अरबी आती नहीं। नहीं, तो अरबी की जिंदगी में आईन नहीं सुना तो भी वहां अरबी आ जाती तुझे। अरबी का आईन नहीं सुना आया तो भी तुझे अरबी आ जाती। तो जैसे ही मरता अल्लाह तेरे दिल दिमाग में अरबी डाल देता। खबर में मुनकिर नकीर सवाल जवाब करेंगे अरबी में, अरबी में जवाब देगा तू। अल्लाह सवाल करेगा खयामत के दिन अरबी में, अरबी में जवाब देगा तू। अल्लाह के सवाल बंदे के जवाब के बीच में कोई तीसरा नहीं रहेगा। अल्लाह पूछेगा बोल मेरे बंदे, माल दिया नहीं दिया? दुनिया में आराम करने के लिए घर दिया, सुकून के लिए जोरू बच्चे दिया, इज्जत छपाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े दिया, घूमने फिरने के लिए गाड़ी दिया, तेरी खिदमत के लिए नौकर चाकर दिया, खाने पीने के लिए दुनिया के फल फलारियां नेमतें दिया, दिया नहीं दिया? अरे अल्लाह वो सब कुछ दिया अल्लाह तू, बेशक दिया अल्लाह, मेरी इबादत कहीं बुरे नहीं करा, मेरे रास्ते में कहीं बुरे खर्चा नहीं किया। अरे अल्लाह खल नहीं अच्छी, सवा महीने से करूंगा ले, अगले महीने में हज को जाऊंगा ले, अगले साल उमरा करूंगा ले, ऐसा समझ ले को अच्छा आना कहीं क्या खबर में आ गया। अल्लाह अब जरा मोहलत दे, दुनिया में जाको हज कर ले को, उमरा कर ले को, तेरे रास्ते में गरीबा को देखो, सारी पुंडी पुंडी हुंडी हुंडी जमा कर को आया था, पूरी हुंडी निकाल दो अल्लाह तेरे रास्ते में खर्चा कर को, नेक बन को आ तू। अल्लाह बोलता दुनिया में परख को जाना तो दूर की बात, तेरे पैर की उंगली में चुंबिश करने की, उंगली हिलाने की भी तुम्हें यहां इजाजत नहीं। क्या करेंगे? मुंह बम्बा मार लेंगे, बमरा मार लेंगे, लबा लबा कूट लेंगे, अल्लाह मोहलत नहीं देगा। आज मोहलत दिया जी, सुधर जाओ जी, आज मोहलत दिया अल्लाह, अल्लाह कहेगा बोल मैं तुझे ये दौलत दिया था क्या करया? अल्लाह पूरी हम जमा को छोड़ को आया, मेरे जोरू बच्चे लड़ने लड़ने को बाटले को खाए, मेरे काम क्या अभी नहीं आया। अच्छा दौलत तुझे कहीं को दिया था? हज करने दिया, उमरा करने दिया, गरिमा में बांटने दिया, मस्जिदा बनाने दिया, मदरसे बनाने दिया, यतीमों को खैरात करने दिया, गरीबों को सवाल करने भेजता था तेरे घर पे, तेरे दुकान पे, क्या बोलता था? चिल्लर ने तो हुंद को, चिल्लर में आगे चल, ये सब होता था कहीं को? अल्लाह तुझे चिल्लर ही देता था आसमान से, अल्लाह तुझे चिल्लर दिया करे, नोटा नोटा दिया, कट्टे कट्टे दिया, मोटे मोटे दिया, लेकिन तू गरीबों को क्या तलाशता था? चिल्लर तलाशता था, चिल्लर ले तो वो, अल्लाह तुझे चिल्लर दिया तो ऊपर से, आज तू गरीबों को चिल्लर नहीं झाकर आ, अल्लाह तुझे चिल्लर झड़ाना शुरू करा तो खाता तू हफ्ते में पर बिरयानी, रोज भी खाता गोश्त खाता तू, गाड़े में फिरता, बड़े बड़े बंगले में रहता, भीख मांगने जाता तू भी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते बोल इस माल का तूने सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अल्लाह अहमियत थी चल जहन्नम में, अल्लाह मेरी दौलत को ले मुझे छोड़ दा, नालायक बेवकूफ एक नंबर का नालायक ही ने, दुनिया में एक टेबल के नीचे से लंचा दे 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 को कामा करा ले करा ले आदत थी ना, अल्लाह को देने जाता लंचा, अल्लाह को देने जाता रिश्वत, हमारे अल्लाह को तेरी दौलत की जरूरत है, कह रहे तेरे माल की जरूरत है समझा? अल्लाह कितना बड़ा शहंशाह का शहंशाह, मालिकुल मुल्क अल्लाहू अकबर, अल्लाह कहता है लो अव्वलकुम आखिरकुम मिन इंसिकुम जिन्निकुम, अगर तुम में से आदम से लेकर खयामत तक, इंसान से लेकर जिन्नत तक सब के सब मुझसे मांगना शुरू करो, कितना मांग सकते जी तुम्हें? अल्लाह मुझे दौलत दे, ये दुनिया भर का सुनना दे, ये दुनिया कितनी बड़ी है होते हीरे मोतियां दे, कौन कौन कहता माइंड में आ सकता उसे मांगना, वो मांगना शुरू करे। अल्लाह बोलता हर एक की मुरादें कर मैं पूरी करूं, किसकी? एक की नहीं, आदम से लेकर खयामत तक सारे इंसान सारे जिन्नातों की मुरादें पूरी करके उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक सुनना चांदी हीरे मोतियां अगर लुटा दूं तब भी मेरे खजाने में इतना भी कम नहीं होता जितना समंदर में सुई डुबो कर निकालने के बाद वो सुई के नाके पर जितना पानी एक खतरा भी नहीं टिकता, वहां खतरे में का छींटा टिकता। अल्लाह बोलता वो इतना भी कम नहीं होता मेरे खजाने में, इतना बड़ा खजाने का मालिक रे अल्लाह, उसे लंचा देने जाता, अल्लाह ये ले मुझे छोड़ जहन्नम से बचा ले, अल्लाह बोलता तेरी दौलत के साथ उठा को पटक तू तुझे जहन्नम में, तू मुझे क्या देगा तेरी दौलत रिश्वत में, तेरी दौलत के साथ उठा को दा तू। सूरे अल्लाह में अल्लाह 8, 9, 10, 11 नंबर आयत में अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअम्मा मन बख़िला वस्तग़ना
खर्चूसी करते हैं, अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, उसके दौलत के साथ उसे उठाकर अल्लाह डालेगा और उसका माल उसे जहन्नम से घिरने में हरगिज नहीं बचा पाएगा, उसका माल उसे कुछ काम नहीं आएगा। माल अल्लाह के रास्ते में दीजिए, माल की बड़ी आजमाइश होती है।